इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कंठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी भी हैं। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है, वो भी सब साथ में चल